कानपुर दौरे पर आएंगे रामनाथ कोविंद, राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी करेंगे उनका स्वागत। चौधरी हरमोहन सिंह यादव की जयंती में होंगे शामिल। एचबीटीयू के कार्यक्रम में शामिल होंगे राष्ट्रपति। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कानपुर दौरे पर आएंगे रामनाथ कोविंद, जिनका राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे उनका स्वागत। चौधरी हरमोहन सिंह यादव की जयंती में होंगे शामिल। एचबीटीयू के कार्यक्रम में शामिल होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कानपुर दौरे पर आज जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे उनका स्वागत। चौधरी हरमोहन सिंह यादव भी रहेंगे मौजूद। एचबीटीयू के कार्यक्रम में शामिल होंगे राष्ट्रपति। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कानपुर से, इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यपाल और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत करेंगे। एचबीटीयू के कार्यक्रम में शामिल होंगे राष्ट्रपति। राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे राष्ट्रपति का स्वागत। चौधरी हरमोहन सिंह यादव की जयंती में होंगे शामिल। एचबीटीयू के कार्यक्रम में शामिल होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कानपुर दौरे पर आएंगे रामनाथ कोविंद। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां चौधरी हरमोहन सिंह यादव की जयंती में शामिल होंगे आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिनका राज्यपाल और सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे राष्ट्रपति का स्वागत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां आज कानपुर दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आने वाले हैं, जहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत करेंगे। चौधरी हरमोहन सिंह यादव की जयंती में होंगे शामिल। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो नितिन, किस तरीके की जानकारी मिल पा रही है आज, जैसे राष्ट्रपति कानपुर का दौरा करने वाले हैं, तो क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा उनका? देखिए, दो दिवसीय कार्यक्रम है ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। 24 और 25 तारीख को, यानी आज और कल, वो कानपुर में रहने वाले हैं और आज करीब 11:05 पर वो कानपुर पहुंचेंगे, जहां पर चकेरी जो एयरपोर्ट है वहां पर उनका स्वागत किया जाएगा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगी। और उसके बाद कानपुर में अपने अलग अलग कार्यक्रमों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिरकत करने वाले हैं। सबसे पहले बताया जा रहा है कि 11:45 पर मेहरबान सिंह के जो पूर्वा है वहां पर राष्ट्रपति पहुंचेंगे और एक वहां पर जो कार्यक्रम है उसमें वो शिरकत करने वाले हैं। इसके बाद 2 सर्किट हाउस पहुंचेंगे और वहां पर भी कुछ कार्यक्रम है और वहां पर उन लोगों से मुलाकात करने वाले हैं, कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। और 5 जो परिचित हैं कानपुर के, उनके उनसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मुलाकात होने वाली है। ये कुछ प्रमुख कार्यक्रम है। इसके अलावा कुछ और भी प्रमुख कार्यक्रम है जिनके बारे में अगर हम बताएं आपको, तो जो वहाँ का जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर यूनिवर्सिटी में भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिरकत करेंगे। वहाँ पर एक दीक्षांत समारोह जैसा कार्यक्रम है, उसमें भी वो शिरकत करने वाले हैं। तो ये कुछ प्रमुख कार्यक्रम हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर में सीएम योगी का बाल प्रेम देखा गया, जहां कानपुर चकेर एयरपोर्ट पर दिखे हैं मुख्यमंत्री। विमान से उतरे योगी आदित्यनाथ ने बाल प्रेम दिखाए छोटे बच्चे के साथ, नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कानपुर में सीएम योगी का बाल प्रेम दिख रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का बाल प्रेम दिख रहा है। एयरपोर्ट पे उतरे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां छोटे बच्चे के साथ नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कानपुर चकेरी एयरपोर्ट पे दिखे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विमान से उतरे हैं योगी आदित्यनाथ, जहां एक छोटे बच्चे के साथ नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ एक बच्चे के साथ नजर आए हैं।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो नितिन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जिस तरीके से तस्वीरों में देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का बाल प्रेम दिख रहा है, तो क्या कुछ जानकारी मिलेगी इस पे? देखिए, सीएम योगी का ये बाल प्रेम पहले भी कई बार देख चुका है। वो बच्चों के साथ खेलते या उन्हें गोद में लेते हुए नजर आए हैं और कल भी इसी तरह का एक नजारा देखने को मिला, जहां कानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके सामने एक बच्चा पड़ गया और उसके बाद उन्होंने उसे गोद में उठा करके उसे उसका लाड प्यार करना शुरू कर दिया, उससे बात करने की कोशिश की। तो ये पहले भी देखा गया है और उसी तरह का नजारा कल भी कानपुर में देखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोद में वो बच्चा था और काफी देर तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उससे बात करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे, जहां कानपुर सीएम योगी आदित्यनाथ का बाल प्रेम दिखाई दिया है। कानपुर चकेरी एयरपोर्ट पर दिखे हैं मुख्यमंत्री, जो विमान से उतरे थे योगी आदित्यनाथ, जहां छोटे बच्चे के साथ नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नवजात बच्चे का बनेगा आधार कार्ड, 5 साल का होने पर ली जाएगी बायोमेट्रिक की जानकारी, 8 जिलों में चलाई जाएगी ये योजना। महानिदेशालय सभागार में होगा ये पूरा कार्यक्रम, संबंधित जिलों को दिए जाएंगे लैपटॉप। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बच्चों का आधार कार्ड बनने की बात चल रही है, जहां नवजात बच्चे का आधार कार्ड बनाया जाएगा, जहां 5 साल का होने पर ली जाएगी बायोमेट्रिक की जानकारी, 8 जिलों में चलाई जाएगी ये योजना। महानिदेशालय सभागार में होगा ये पूरा कार्यक्रम, जहां संबंधित जिलों को दिए जाएंगे लैपटॉप। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नवजात बच्चे का आधार कार्ड बनेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो नितिन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नवजात बच्चों का अब आधार कार्ड बनेगा। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर बताया जा रहा है कि बच्चे के जन्म के तत्काल बाद ही आधार कार्ड जो है वो बनाया जाएगा, और इसके अलावा जो बच्चे के माता पिता हैं उनके आधार कार्ड से उस बच्चे का आधार कार्ड जो है वो लिंक किया जाएगा। इसके अलावा अब 5 साल का जब वो बच्चा हो जाएगा तो उसका उसकी जो बायोमेट्रिक जानकारी है, जिसमें अंगूठे के जो निशान होते हैं और उसके अलावा जो आंखों का जो रेटिना चेक किया जाता है, वो दोनों चीजें भी ली जाएंगी जब वो 5 साल का हो जाएगा। और इसके लिए एक जो रोड मैप था वो तैयार किया गया था, और एक जो पहली जो कुछ जिले हैं ऐसे प्रमुख जो 8 पिछड़े जिले हैं जहां पर इस योजना को अभी क्रियान्वित किया जाएगा, जिसमें चित्रकूट, सिद्धार्थनगर, बहराइच, फतेहपुर, बलरामपुर, सोनभद्र, श्रावस्ती और चंदौली शामिल हैं, यहां पर इसको लागू किया जाना है। और इसके अलावा आप देखना ही होगा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना को लागू किया जाएगा, और उसी को देखते हुए आज स्वास्थ्य महानिदेशालय सभागार में कार्यक्रम भी है, जहां पर इन संबंधित जिलों के जो प्रमुख अधिकारी होंगे उन्हें जानकारी दी जाएगी और लैपटॉप भी बांटा जाएगा। और इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री है जयप्रताप सिंह, वो भी मौजूद रहेंगे और वो भी अधिकारियों से बातचीत करेंगे और उन्हें समझाएंगे कि ये कितना जरूरी है और इसे कितनी सही तरीके से सही तत्परता से करना चाहिए। इसके अलावा लखनऊ के 26 ऐसे अस्पताल है जहाँ पर जन्म के तत्काल बाद बच्चों का आधार कार्ड जो है वो बनाने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। तो ऐसे में अब कुछ 8 प्रमुख जिले हैं जहाँ पर इसे जोड़ा जाएगा और इसको और विस्तार दिया जाएगा। बच्चों का आधार कार्ड बनाने के पीछे क्या रणनीति हो सकती है? किस वजह से नवजात बच्चों का आधार कार्ड बनाने की ये प्रक्रिया शुरू की गई है? आधार कार्ड तो लगभग देश में सभी का बनना है और उसे अनिवार्य भी रखा गया है, और कहा जा रहा है कि आधार कार्ड एक ऐसा आधार कार्ड ऐसा 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 आइडेंटिटी है जो कि आपके बायोमेट्रिक चीजों के साथ साथ हर तरह की आइडेंटिटी में काम आता है, और बायोमेट्रिक से ही आपकी हर चीज पता कर ली जाती है। तो ऐसे में आगे चल के ज्यादा समस्या ना हो, और इसी वजह से बच्चों के जन्म के दौरान ही अस्पताल में ही उनको जो जितना भी उसका प्रोसीजर है आधार कार्ड का, वो सारा कर लिया जाएगा और बायोमेट्रिक जो है वो 5 साल के बाद किया जाएगा। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि जल्द से जल्द लोगों को आधार के तहत लिंक किया जाए, जितने लोग बचे हुए हैं और जो नए बच्चे जन्म ले रहे हैं उनको तत्काल ही आधार से लिंक कर दिया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।
कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय कार्यालय में शुभारंभ। सपा नेता और पार्षद अर्पित यादव का फूटा है गुस्सा, गुस्से में सपा नेता ने दरोगा को दे डाली धमकी। सपा नेता अर्पित यादव ने बैनर लगाकर किया था विरोध, सीएम और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया था इसका उद्घाटन। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय कार्यालय के शुभारंभ को लेकर विरोध हुआ है, जहां सपा नेता और पार्षद अर्पित यादव का गुस्सा फूटा, गुस्से में सपा नेता ने दरोगा को दे डाली धमकी। सपा नेता अर्पित यादव ने बैनर लगाकर किया था विरोध, कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया था इसका उद्घाटन, जहां कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय कार्यालय के शुभारंभ पर विवाद हुआ है, जहां सपा नेता ने एक पुलिसकर्मी को धमकी दे डाली, गुस्से में सपा नेता ने दरोगा को दी धमकी। सपा नेता अर्पित यादव ने बैनर लगाकर किया था विरोध। सुल्तानपुर के 46 गांव में हुई है छापेमारी, पंचायती राज विभाग ने की है कार्रवाई। सामुदायिक शौचालयों की जानी हकीकत, 4 सामुदायिक शौचालय मिले निर्माणाधीन, 19 गांव के सामुदायिक शौचालय बंद मिले। बंद शौचालय हुए केयर टेकर को दी गई है नोटिस। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुल्तानपुर के 46 गांव में हुई है छापेमारी, पंचायती राज विभाग ने की है एक बड़ी कार्रवाई, जहां सामुदायिक शौचालयों की जानी है हकीकत। 4 सामुदायिक शौचालय मिले हैं निर्माणाधीन, जहां 19 गांव के सामुदायिक शौचालय बंद मिले। इस वक्त की बड़ी खबर।